हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं डेनिस संघवी आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जो अपन ने लास्ट वीडियो पढ़ा था उसमें अपन ने दोष पढ़े थे और दूसरा दोष पढ़ा था अशुद्धि दोष। कौन सा दोष पढ़ा था? अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष के अंदर मैंने आपको बताया था कि अशुद्धि दोष किसे कहते हैं, तो एक बार अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अशुद्धि दोष किसे कहते हैं। जब किसी एक निम्न संयोजी दनायन क्रिस्टल के अंदर, निम्न संयोजी दनायन क्रिस्टल के अंदर उच्च संयोजी दनायन क्रिस्टल की अशुद्धि मिलाई जाए, निम्न संयोजी दनायन क्रिस्टल के अंदर उच्च संयोजी दनायन क्रिस्टल की अशुद्धि मिलाई जाए, तो इस प्रकार के दोष को अशुद्धि दोष कहते हैं। अब बच्चों, अशुद्धि दोष के अंदर एक टर्म यूज हुई थी, एक वर्ड यूज हुआ था, डोपिंग। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डोपिंग किसे कहते हैं, डोपिंग का मतलब क्या होता है। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर, जब किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर अशुद्धि के तौर पर दूसरे आयनिक क्रिस्टल की अशुद्धि मिलाई जाए, सुनना अच्छे से, जब किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर दूसरे आयनिक क्रिस्टल की अशुद्धि मिलाई जाए तो विद्युत चालकता बढ़ती है। विद्युत चालकता बढ़ने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, डोपिंग की परिभाषा, विद्युत चालकता बढ़ने की प्रक्रिया को अशुद्धि मिलाकर विद्युत चालकता बढ़ने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। तो ये अपन ने लास्ट में पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था NaCl के अंदर, NaCl के अंदर मैंने SrCl2 की अशुद्धि मिलाई थी। NaCl का जो क्रिस्टल था, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था, उसके अंदर स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई थी। अब यहाँ पे दूसरा अगर मैं क्रिस्टल लेना चाहूँ, AgCl का क्रिस्टल है, उसके अंदर मैं SrCl2 की अशुद्धि मिलाऊँ। बच्चों किसकी अशुद्धि मिलाऊँ? AgCl के क्रिस्टल के अंदर, AgCl का जो क्रिस्टल था, सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टल था, उसके अंदर SrCl2 की अशुद्धि मिलाई। तो आपको पता है कि AgCl का जैसे क्रिस्टल होगा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, AgCl का क्रिस्टल बना रहा हूँ। AgCl के क्रिस्टल में क्या होगा? Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। बच्चों ध्यान रखना, तो AgCl के अंदर मैंने SrCl2 की अशुद्धि मिलाई। किसकी अशुद्धि मिलाई? SrCl2। तो कुछ Ag पॉजिटिव आयन है वो विस्थापित हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं Ag पॉजिटिव लिखता हूँ, यहाँ पे Cl नेगेटिव लिखता हूँ, यहाँ पे Ag पॉजिटिव लिखता हूँ, यहाँ पे Cl नेगेटिव। ये AgCl का क्रिस्टल है, ये Cl नेगेटिव, ये Ag पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Ag पॉजिटिव, ये Ag पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव। बच्चों तो इस तरह से ये AgCl का क्रिस्टल है। AgCl के अंदर मैंने अशुद्धि के तौर पर क्रोमियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई, SrCl2 की अशुद्धि मिलाई। तो निम्न संयोजी, ये था Ag के ऊपर प्लस चार्ज था, प्लस वन चार्ज था, और उसके अंदर मैंने उच्च संयोजी दनायन की अशुद्धि मिलाई। उच्च संयोजी दनायन कौन है? यहाँ पे क्रोमियम, Cr2 पॉजिटिव की अशुद्धि मिलाई। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव का स्थान है, दो Ag पॉजिटिव गायब हो जाएंगे, दो Ag पॉजिटिव की जगह, बच्चों ध्यान रखना, दो Ag पॉजिटिव की जगह, यहां Ag पॉजिटिव गायब हो गए, यहां से हट गए, उसकी जगह पर एक Cr2 पॉजिटिव आ जाएगा, और ये वाला है, ये वाले आयन की जगह रिक्त रह जाएगी, ये आयन की जगह रिक्त रह जाएगी। इसमें पास का आयन यहां पर गति करेगा, पास का आयन जब गति करेगा तो इसकी विद्युत चालकता बढ़ेगी। विद्युत चालकता बढ़ने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग। तो बच्चों आपको अशुद्धि दोष समझ में आ गया होगा और अशुद्धि दोष के अंदर डोपिंग समझ में आ गया होगा। आज जो अपन टॉपिक लेने वाला है, फ्रेश टॉपिक, जो टॉपिक का नाम है उसका थर्ड जो दोष है, नॉन स्टाइकोमिति दोष। कौन सा दोष है बच्चों? नॉन स्टाइकोमिति दोष किसे कहते हैं? यौगिक जिसमें स्थिर अनुपात के नियम की पालना नहीं हो। मैं लिख रहा हूं यहां पे यौगिक, बच्चों ध्यान रखना, यौगिक जिसमें स्थिर अनुपात के नियम की पालना नहीं हो। स्थिर अनुपात के नियम की पालना नहीं होने का मतलब बच्चों ये है कि अशुद्धि से पहले का धनायन और ऋणायन का अनुपात और अशुद्धि के बाद का अनुपात अगर समान नहीं आए तो उस दोष को कहते हैं नॉन स्टाइकोमिति दोष। क्या कहते हैं? नॉन स्टाइकोमिति दोष, जिसमें स्थिर अनुपात के नियम की पालना नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन स्टाइकोमिति दोष।
अर्थात अशुद्धि से पहले का धनायन और ऋणायन का अनुपात और अशुद्धि के बाद का अनुपात अगर समान नहीं आए, स्टाइकोमिति दोष में तो दोनों का अनुपात समान था, अशुद्धि से पहले का और अशुद्धि के बाद का, लेकिन यहां पे समान अनुपात समान प्राप्त नहीं होगा तो उसको हम कहते हैं नॉन स्टाइकोमिति दोष। नॉन स्टाइकोमिति दोष भी बच्चों दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। सबसे पहले नॉन स्टाइकोमिति दोष किसे कहते हैं, यौगिक जिसमें स्थिर अनुपात के नियम की पालना नहीं हो, अर्थात अशुद्धि से पहले का अनुपात, अशुद्धि से पहले किसका अनुपात, धनायन और ऋणायन का अनुपात, और अशुद्धि के बाद का अनुपात किसका अनुपात, धनायन और ऋण का ऋणायन का अनुपात अगर समान नहीं आए तो उसको कहते हैं नॉन स्टाइकोमिति दोष। नॉन स्टाइकोमिति दोष दो प्रकार का होता है, पहला है धातु आधिक्य दोष और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। बच्चों यहां पे स्पष्ट है धातु आधिक्य दोष मतलब किसकी मात्रा ज्यादा है, धातु की मात्रा ज्यादा हो ऐसे दोष को हम कहते हैं, ऐसा दोष जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा हो। धातु का मतलब होता है जिसके ऊपर धनावेश हो। आपको पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, उनके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, धनावेश होता है। तो धातु आधिक्य दोष का मतलब ऐसा दोष जिसमें धनावेश की मात्रा ज्यादा हो, अर्थात धातु की मात्रा ज्यादा हो, तो ऐसे दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब आपको परिभाषा से समझ में नहीं आए तो यहां पे धातु आधिक्य दोष भी मैंने दो प्रकार का बताया है, यहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धातु आधिक्य दोष किसे कहते हैं, ऐसा दोष जिसमें धातु आयन की सांद्रता ज्यादा हो, अर्थात धनावेश की सांद्रता ज्यादा हो, धनावेश की मात्रा ज्यादा हो, उसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला है ऋण आयन अनुपस्थित होना। अब आपको पता है सबसे पहले कोई भी एक आयनिक क्रिस्टल है, बच्चों ध्यान रखना, जैसे मैंने आयनिक क्रिस्टल लिया NaCl का, कौन सा क्रिस्टल लिया, NaCl का, बच्चों ध्यान रखना NaCl का आयनिक क्रिस्टल ले रहा हूं मैं, NaCl का आयनिक क्रिस्टल, NaCl के आयनिक क्रिस्टल ले रहा हूं। धातु आधिक्य दोष का पहला पॉइंट समझा रहा हूं, ऋण आयन अनुपस्थित, तो NaCl का आयनिक क्रिस्टल लिया NaCl, बच्चों ध्यान रखना NaCl का, यहां पे Na पॉजिटिव, यहां पे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब बच्चों ध्यान रखना, मैंने यहां पे लिखा है धातु आदि के दोष में पहला प्रकार लिखा है ऋण आयन अनुपस्थित होना। सुनना, जब किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर ऋण आयन अनुपस्थित हो, यहां से ऋण आयन अनुपस्थित हो गया, ऋण आयन की जगह खाली हो गई, तो बच्चों बताओ ऋण आयन अनुपस्थित होगा, ऋण आयन अनुपस्थित होगा तो बताओ मेरे को पहले Na कितने थे, पहले 6 Na थे, 6 Cl थे, लेकिन अब ऋण आयन अनुपस्थित हो गया तो Na कितने हो गए, Na 6 हो गया और Cl क्लोराइड आयन है वो 5 हो गए। मतलब किसकी सांद्रता ज्यादा है, Na पॉजिटिव की सांद्रता ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव की सांद्रता ज्यादा है, मतलब तो ये कौन सा दोष कहलाएगा, धनायन की सांद्रता ज्यादा है तो ये दोष कौन सा कहलाएगा, धातु आधिक्य दोष। मतलब जब किसी धातु आधिक्य दोष में पहला पॉइंट कौन सा है, ऋण आयन अनुपस्थित होना। क्या अनुपस्थित होना, ऋण आयन अनुपस्थित होना। जब किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर ऋण आयन अनुपस्थित हो, कौन सा अनुपस्थित हो बेटा, ऋण आयन अनुपस्थित हो, Cl नेगेटिव अनुपस्थित है, तो धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है। किसकी सांद्रता बढ़ जाती है, धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है। इस प्रकार के दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब ऋण आयन अनुपस्थित होगा तो बच्चों ध्यान रखना, जब ऋण आयन अनुपस्थित होता है धातु आधिक्य दोष में, तो उस ऋण आयन का स्थान है इस आयनिक क्रिस्टल के अंदर, ऋण आयन अनुपस्थित हो गया, क्लोराइड आयन अनुपस्थित हो गया, तो ऋण आयन का स्थान है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कौन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। बच्चों ध्यान रखना, धातु आदि के दोष में मैं पहला बता रहा हूं ऋण आयन अनुपस्थित, अगर ऋण आयन अनुपस्थित होगा तो ऋण आयन का स्थान कौन ले लेगा, ऋण आयन की जगह कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ऋण आयन का स्थान इलेक्ट्रॉन जहां पे लेता है उस सेंटर को अपन कहते हैं, उस जगह को अपन कहते हैं एब सेंटर। क्या कहते हैं, एब सेंटर। बच्चों ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है कि जब किसी धातु आधिक्य दोष में ऋण आयन अनुपस्थित हो, ऋण आयन अनुपस्थित है, Cl नेगेटिव अनुपस्थित है, तो Cl नेगेटिव का स्थान कौन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्योंकि आपको पता है आयनिक क्रिस्टल होगा तो Na इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा।
आपको पता है। तो यहां पे जब Cl नेगेटिव गायब हो जाएगा तो उसका स्थान कौन ले लेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेता है। वो इलेक्ट्रॉन वाले स्थान को, ये वाली जो जगह है, इस जगह को अपन कहते हैं एब सेंटर। क्या कहते हैं? एब सेंटर। एब सेंटर के कारण, एब सेंटर के कारण कोई भी आयनिक क्रिस्टल है वो कलर प्रदर्शित करता है, रंग प्रदर्शित करता है। आपके अंदर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है कि NaCl का रंग पीला होता है, NaCl का रंग पीला होता है, क्यों होता है, क्यों आपको पूछा गया, तो आप इसका उत्तर लिखोगे एब केंद्र के कारण। क्या लिखोगे? एब केंद्र के कारण। अब एब केंद्र होता क्या बच्चों? कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर NaCl है, Cl गायब हो जाएगा, आयनिक क्रिस्टल के अंदर Cl नेगेटिव अनुपस्थित हो, ऋण आयन अनुपस्थित हो, तो Cl नेगेटिव का स्थान कौन ले लेता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उस सेंटर को अपन क्या कहते हैं? एब सेंटर के